हरिओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जिसके बाद आप कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे वह हमारे द्वारा दी बताया गया मंत्र जाप करें, चाहे वह आपके गुरु द्वारा बताया गया मंत्र जाप करे, या चाहे वह भगवान के द्वारा बताया गया कोई भी अन्य मंत्र का जाप आप करें, तो किस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसका फल जो है वह दुगुना प्राप्त हो, सर्वशक्तिशाली प्राप्त हो और कम समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और मित्रों, आज के दिन यह वीडियो बनाने का प्रयास हमारा आपके लिए इसीलिए किया है क्योंकि आज आप सभी व्यक्ति जानते हैं गुरु पूर्णिमा है और सभी व्यक्तियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लिए यह वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि एक गुरु के द्वारा ही इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है हमेशा कि मंत्र जाप की विधि क्या होती है, जिससे कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी कमी ना आए। जब भी कोई भी इंसान किसी भी भगवान का, चाहे वह साधना का हो, चाहे वह किसी कार्य की प्रगति के लिए हो या किसी अन्य कार्य की सफलता के लिए हो, कोई भी मंत्र जाप करे तो वह अवश्य सफल हो। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो को। और मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर उनको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। मित्रों, हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु प्रतिदिन किसी न किसी रूप में देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते रहते हैं। कुछ लोग तो मंत्र जप के पूर्ण विधि विधान के साथ सावधानी पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं और कुछ ऐसे ही देखा देखी किसी भी मंत्र का जप शुरू कर देते हैं, लेकिन वेद शास्त्रों में सभी देवी देवताओं या अन्य मंत्रों के जप के नियम बनाए हैं जिसके अनुसार जप करने पर ही वह कोई चमत्कार दिखा पाते हैं। अन्यथा गलत जप या उच्चारण गलत करने से कभी कभी जप करने वाले को हानि भी हो सकती है। और कौन से मंत्र का किस प्रकार से जप करना चाहिए, इसी के लिए आज यह जानकारी आपको दी जा रही है। मित्रों, किसी भी मंत्र का जप करते समय किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण किया जाए, मंत्रों का उच्चारण किस स्वर में किया जाए जिससे मंत्र जप का लाभ अधिक से अधिक मिल सके, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, मंत्र जप के समय होठों के हिलने, श्वास के निस्सरण के आधार पर शास्त्रों ने मंत्र जप को तीन वर्गों में विभाजित किया है। और मित्रों, हमेशा इसी के आधार पर ही देवी देवताओं के अन्य मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए, तभी वह आपकी शीघ्र अति शीघ्र प्रार्थना सुनकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अगर तीन विभाजित वर्गों को जाने तो पहला वर्ग होता है वाचिक जप, दूसरा होता है उपांशु जप और तीसरा होता है मानस जप। इनके अलग अलग प्रकार हैं। मित्रों, किस प्रकार से कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और सबसे शक्तिशाली जो वर्ग है इसमें वह कौन सा है, यह भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें वाचिक जप की, तो मित्रों, जिस प्रकार से ईश्वर का भजन कीर्तन और आरती ऊंचे स्वर में की जाती है, यानी तेज तेज बोल के की जाती है, उस तरह उच्च स्वर में मंत्रों का जाप हमेशा निषेध माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र जप करते समय स्वर बाहर नहीं निकलना चाहिए। जप करते समय मंत्रों का उच्चारण ऐसा होता रहे कि ध्वनि जप करने वाले साधक के कानों में पड़ती रहे, उसे वाचिक जप कहते हैं। यानी अंदर से जो आवाज उनके कानों में पड़ती है उसे वाचिक जप कहते हैं। और अगर उपांशु जप की बात करें, तो मित्रों, मंत्र जप की इस विधि में मंत्र की ध्वनि मुख से बाहर नहीं निकलती, परंतु जप करते समय साधक की जीभ और होठ हिलते रहते हैं। उपांशु जप में किसी दूसरे व्यक्ति के देखने पर साधक होठ हिलते हुए तो प्रतीत होता है, पर कोई भी शब्द उसे सुनाई नहीं देता। यानी मैं अगर बात करूं, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हैं
और आपको कोई देख रहा है तो आपके होठ और जीभ तो अवश्य हिल रही है, परंतु वह नहीं सुन पा रहा कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। उसे उपांशु जाप कहते हैं। और अब अगर बात करें मानस जप की, तो मित्रों मंत्र जप की इस विधि में जपकर्ता के होठ और जीभ नहीं हिलते, केवल साधक मन ही मन मंत्र का मनन करता है। इस अवस्था में जपकर्ता को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि वह किसी मंत्र का जप भी कर रहा है या नहीं, क्योंकि ना ही उसके होठ हिल रहे हैं, ना ही उसकी जीभ हिल रही है, आंखें बंद हैं और एक ध्यान में लीन है। उस ध्यान में लीन होने के बावजूद भी वह मंत्रों का जाप अपने मन में चलाए हुए है। और मित्रों यकीन मानिए, यह जाप बहुत तीव्र गति से आपके लिए कार्य करता है। इन सभी जप विधि में से मानस जप को ही सर्वश्रेष्ठ जप बताया गया है, और उपांशु जप को मध्यम जप, और वाचिक जप को मानस जप की प्रथम सीढ़ी बताया गया है। यानी कि जब आप जब स्टार्ट करते हैं किसी भी मंत्र जाप का, आप स्टार्ट करते हैं उसके लिए अभ्यास करते हैं, तब आप बोल बोल के करते हैं। जैसे अगर मैं एक स्टार्टिंग से पहले दिन से शुरू कर रहा हूँ, अपने गायत्री मंत्र को ले लीजिए, गायत्री मंत्र को ही अगर कोई व्यक्ति पहले दिन से शुरू कर रहा है, उसको याद तक नहीं है कि किस प्रकार से गायत्री मंत्र होता है, तो वह बोल बोलकर उस मंत्र को आपको करेगा। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से वह बोल बोल के मंत्र को पूर्ण रूप से याद करेगा, परंतु जब इसको अच्छे से रट लेगा, इसमें समा जाएगा, तब उसके बाद आंखें बंद करके ना ही आपके होठ हिलने चाहिए, ना ही जीभ हिलनी चाहिए, अपनी ध्यान मुद्रा में आकर अपने मन को पूर्ण रूप से उस देवता के लीन कर देने के बाद तब आपने मन ही मन इस मंत्र का जप करना है। इसका ही नहीं, आप कोई भी अगर मंत्र जाप, अपने गुरु का मंत्र जाप भी करते हैं, तब भी आप इसी विधि से कर सकते हैं। मित्रों मंत्र जप और मानसिक उपासना आडंबर और प्रदर्शन से रहित एकांत में ही जाने वाले के मानसिक प्रक्रिया है, जिनमें मुख्यतः भावना और आराध्य देव के प्रति समर्पण भाव का होना बहुत जरूरी होता है। इस विधि से अगर जप किया जाए तो जिस देवता का मंत्र जप किया जाता है वह शीघ्र प्रसन्न होकर आपको इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी कि किस प्रकार से जप करना सही रहता है। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस जानकारी को जरूरतमंद तक शेयर जरूर करें, ताकि और कोई व्यक्ति इस प्रकार की गलती करके अपने देवी देवताओं के कृपा से दूर ना रह पाए। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।